बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, तब्दीली पैदा करने वाली ग्रामर। इन 1957 में नोम चॉम्स्की एन अमेरिकन पब्लिश्ड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, एक अमरीकी ने नहवी साख्तें या बनावटें पब्लिश की, शाया की। A statement of the principles of transformational generative grammar, TG. एक statement, एक बयान of the principles, असूलों का एक बयान of transformational generative grammar, तब्दीली पैदा करने वाली grammar के असूलों का एक बयान publish किया। तो TG को short हम कहते हैं, transformational grammar को हम कहते हैं TG. T for transformational और G for grammar. This grammar has had a profound effect. ये grammar एक गहरा असर रखती है on the study of all languages, तमाम जबानों के मुताले पर, including English, जिसमें English शामिल है. TG was a reaction against structuralism. TG, transformational grammar, was a reaction, एक रद्द-ए-अमल था against structuralism, साख्तियात के खिलाफ, and the first model to acknowledge formally the significance of deep structure, और पहला नमूना to acknowledge formally, बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का, द सिग्निफिकेंस ऑफ डीप स्ट्रक्चर, गहरी बुनावट की अहमियत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का पहला नमूना था। वी कैन ओनली ऑफर अ वेरी ब्रीफ सर्वे ऑफ द एम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीजी। हम बहुत मुख्तसर तौर पर जायजा पेश कर सकते हैं मकासद का और खसूसियात का ऑफ टी जी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामरियंस सेट देमसेल्व्स, तब्दीली पैदा करने वाले ग्रामरियंस ने, ग्रामरदानों ने सेट देमसेल्व्स द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सप्लिसिट मॉडल, सेट देमसेल्व्स द टास्क, अपने लिए एक टास्क मुकर्रर कर लिया ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सप्लिसिट मॉडल, एक वाज़े नमूना पैदा करने का, व्हाट एन आइडियल स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज, इंट्यूटिवली नोस ऑफ व्हाट एन आइडियल स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज, जो कि जुबान का एक मसाली स्पीकर, बोलने वाला, इंट्यूटिवली नोस, वजदानी तौर पर जानता है। देयर मॉडल मस्ट असाइन अ स्ट्रक्चर, उनके नमूने को लाजमी तौर पर एक बुनावट मुकर्रर करनी चाहिए। देयरफॉर टू ऑल द सेंटेंसेस ऑफ द लैंग्वेज कंसर्न्ड एंड ओनली टू दीज सेंटेंसेस, देयरफॉर, इसलिए to all the sentences of the language concerned, tamam jumle of the language, zuban ke mutalliqa, concerned, and only to these sentences, aur sirf in jumlon se mutalliqa, as a first step towards this, iski taraf pehle kadam ke taur par, Chomsky distinguished between competence, चॉम्स्की ने फर्क जाहिर किया बिटवीन कॉम्पिटेंस, काबिलियत या अहलियत के दरमियान, दैट ही डिफाइंस एज द आइडियल स्पीकर हियरर्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज, जिसकी तारीफ वो करता है बतौर एक मुसाली स्पीकर, बोलने वाला, बोलने वाले या सुनने वाले का इलम ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी जुबान के, बोलने वाले या सुनने वाले का, मसाली तौर पर बोलने वाले और सुनने वाले का इलम।
एंड परफॉर्मेंस और कारकर्दगी विच इज द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशंस, जो कि असल इस्तेमाल है जुबान का इन कंक्रीट सिचुएशंस ठोस सूरत अहवाल में। कॉम्पिटेंस इज एज इट वर द परफेक्ट स्टोर हाउस ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। काबिलियत अहलियत एज इट वर, जैसा कि ये थी परफेक्ट स्टोर हाउस ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, लिसानी इलम के इलम का मुकम्मल खजाना थी। परफॉर्मेंस ड्रॉस ऑन दिस नॉलेज, कारकर्दगी ये इलम ड्रा करती है, खींचती है। बट इट कैन बी फॉल्टी, लेकिन ये नाकिस हो सकता है। द टीजी मॉडल अटेम्प्ट्स टू फॉर्मुलेट हिपोथीसिस, टीजी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कोशिश करती है टू फॉर्मुलेट हिपोथीसिस, मफरूजे तश्कील करने की अबाउट कॉम्पिटेंस बाय आइडियलाइजिंग परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस के बारे में, काबिलियत के बारे में, बाय आइडियलाइजिंग परफॉर्मेंस, कारकर्दगी को मसाली बनाते हुए, दिस इज बाय ड्रेचिंग अवे परफॉर्मेंस एक्सीडेंट्स, ऐसा है, दैट इज वो है बाय ड्रेचिंग अवे, दूर करने से परफॉर्मेंस एक्सीडेंट्स, कारकर्दगी के हादसात को दूर करने से। सच एज हेजिटेशंस, जैसा कि हिचकचाहटें, अननेसेसरी रेपिटिशन, गैर जरूरी तकरार, लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो की कमी, फैटीग, थकावट, स्लिप्स ऑफ द टंग, जुबान की फिसलने, फॉल्स स्टार्ट्स, गलत या झूठे आगाज। टीजी इज इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटेंस, टीजी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटेंस, काबिलियत में दिलचस्पी लेती है। एंड दिस इंटरेस्ट मार्क्स द क्लियरेस्ट डिफरेंस, और ये दिलचस्पी निशानदेही करती है क्लियरेस्ट, वाज़े तरीन फर्क की बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड टीजी, साख्तियात और टीजी के दरमियान। स्ट्रक्चरलिज्म वाज टेक्स्ट बेस्ड, साख्तियात टेक्स्ट पर मबनी थी, एंड ओनली इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, और सिर्फ जुबान में दिलचस्पी लेती थी। That had actually occurred, तो दरअसल वाकया हो चुकी थी। TG does not use text, TG text इस्तेमाल नहीं करती, since it is more interested in what produced the text than in the text itself, चूंकि ये ज्यादा दिलचस्पी लेती है in what produced the text, जिस चीज ने टेक्स्ट को पैदा किया, देन इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, बजाय बजाते खुद टेक्स्ट के, उसकी तरफ दिलचस्पी लेती है जिसने टेक्स्ट को पैदा किया। और टीजी मॉडल हैज फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टीजी मॉडल की चार अहम खसूसियात हैं। नंबर वन, इट मस्ट अटेम्प्ट टू मेक एक्सप्लिसिट, इसे लाजमी तौर पर कोशिश करनी चाहिए टू एक्सप्लिसिट, वाजे करने की, हाउ अ फाइनाइट एंटिटी, कि कैसे एक महदूद अंदराज लाइक द ब्रेन कैन ऑपरेट, जैसा कि दिमाग ऑपरेट कर सकते हैं ऑन अ फाइनाइट सेट ऑफ आइटम्स, महदूद चीजों के सेट पर, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, अल्फाज और साख्तों पर, एंड येट जनरेट एन इनफाइनाइट
अलबत्ता ये पैदा करता है इनफाइनाइट ला इनफिनिट सॉरी इनफिनिट ला महदूद सेट ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों का इनफिनिट सेट ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों का एक ला महदूद सेट पैदा करता है, सेट पैदा करती हैं ये चीजें। द मॉडल मस्ट पैरेलल द आइडियल स्पीकर्स कॉम्पिटेंस, नमूना लाजमी तौर पर मतवाजी होना चाहिए द आइडियल स्पीकर्स कॉम्पिटेंस, एक मसाली बोलने वाले की काबिलियत का। एंड सो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एन इनफिनिट सेट, इसलिए इसे लाजमी तौर पर सलाहियत रखनी चाहिए जनरेटिंग पैदा करने की एन इनफिनिट सेट ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों का एक लामहदूद सेट पैदा करने की। बाय द ऑपरेशन ऑफ अ फाइनाइट, ऑपरेशन करने से ऑफ अ फाइनाइट सेट, एक महदूद सेट की ऑफ रूल्स असूलों के, ऑन अ फाइनाइट सेट ऑफ आइटम्स चीजों के महदूद सेट पर। वी कैन गिव एन इंप्रेशन हियर, हम यहां पर एक तासर दे सकते हैं ऑफ हाउ दैट कैन बी डन, कि कैसे वो किया जा सकता है। लेट अस सपोज, आओ हम फर्स्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, दैट वी हैव द रूल्स, कि हमारे पास असूल हैं, कवानीन हैं। एस यानी कि एक सेंटेंस जो है वो एन पी प्लस वी पी, यानी सेंटेंस कैन बी रीरिटन एज नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज के तौर पे दोबारा लिखा जा सकता है। एनपी नाउन फ्रेज डिटर्मिनर प्लस एन, यानी नाउन फ्रेज कैन बी रीरिटन एज डिटर्मिनर प्लस नाउन, यानी नाउन फ्रेज को दोबारा लिखा जा सकता है डिटर्मिनर और प्लस नाउन के तौर पर। वीपी वी प्लस एनपी, यानी वर्ब फ्रेज कैन बी रीरिटन एज वर्ब प्लस नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज को दोबारा लिखा जा सकता है वर्ब प्लस नाउन फ्रेज के तौर पर। एंड सपोज वी हैव टू नाउन्स, और फर्ज करें कि हमारे पास दो नाउन्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, थ्री डिटर्मिनर्स, तीन डिटर्मिनर्स हैं, द सम एंड फाइव, एंड थ्री वर्ब्स हैं और तीन अफआल हैं, लव हेट एंड ट्रस्ट, देन फिर या तब। वी कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस सच एज, तो फिर हम सैकड़ों जुमले जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि बॉयज लव हेट या ट्रस्ट गर्ल्स, गर्ल्स लव हेट या ट्रस्ट बॉयज, सम बॉयज लव हेट या ट्रस्ट गर्ल्स, बॉयज लव हेट ट्रस्ट सम गर्ल्स, फाइव बॉयज लव हेट ट्रस्ट द गर्ल्स, द बॉयज लव हेट ट्रस्ट सम फाइव द गर्ल्स। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। दीज सेंटेंसेस गिव अ लिमिटेड आइडिया ऑफ द प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ इवन द सिंपलेस्ट मॉडल, ये जुमले एक महदूद आइडिया देते हैं, तसव्वुर पेश करते हैं ऑफ द प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, मानी खेज खूबी की ऑफ इवन द सिंपलेस्ट मॉडल, यहां तक के सादा तरीन नमूने की। नंबर टू, सिंस द मॉडल अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द आइडियल स्पीकर हियरर्स लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड इंट्यूशंस, चूंकि यह नमूना कोशिश करता है डिस्क्राइब बयान करने की
दी आइडियल मसाली बोलने वाला और सुनने वाले की लिंग्विस्टिक नॉलेज को, लिसानी इलम और इंट्यूशंस को और वजदानों को जाहिर करता है, बयान करता है। इट मस्ट बी एक्सप्लिसिट, इसे वाजे होना चाहिए। इट मस्ट नॉट फॉल बैक ऑन इंट्यूशन, इसे वापस इंट्यूशन की तरफ नहीं गिरना चाहिए, वजदान की तरफ। टू आस्क वेदर अ स्ट्रक्चर इज आर इज नॉट करेक्ट, ये पूछने के लिए कि आया के साख्त बनावट दुरुस्त है या नहीं। इफ इट यूज्ड इंट्यूशन टू डिफाइन इंट्यूशन, अगर इसने वजदान को इस्तेमाल किया वजदान की वजाहत करने के लिए, द मॉडल वुड बी सर्कुलर, तो नमूना सर्कुलर एक इश्तिहार की शक्ल में होगा एंड यूजलेस और बेकार होगा। अ टीजी मॉडल मस्ट देयरफॉर बी एक्सप्लिसिट एंड सेल्फ सफिशिएंट, एक टीजी मॉडल को, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के नमूने को, मस्ट देयरफॉर बी एक्सप्लिसिट, लाजमी तौर पर वाजी होना चाहिए, एंड सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और खुद कफील होना चाहिए। इट्स रूल्स अलोन मस्ट अलो अस टू डिसाइड, इसके असूल या कवानीन सिर्फ हमें इजाजत देते हैं टू डिसाइड, फैसला करने की, वेदर अ स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल, आया के एक बनावट काबिले कबूल है। नंबर थ्री, मॉडल मस्ट हैव थ्री कंपोनेंट्स, नमूने में तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए, तीन अज्जा होने चाहिए। अ फोनोलॉजिकल कंपोनेंट, एक तो फोनोलॉजिकल कंपोनेंट होना चाहिए, जुज होना चाहिए। अ सिंटैक्टिक कंपोनेंट, एक सिंटैक्टिक जुज होना चाहिए। एंड अ सिमेंटिक कंपोनेंट, और एक सिमेंटिक कंपोनेंट होना चाहिए, यानी एक सौथी आवाज का जुज, दूसरा नहवी जुज और तीसरा मानवी जुज होना चाहिए। सो दैट इट पैरेलल्स द स्पीकर्स एबिलिटी, ताकि ये बोलने वाले की काबिलियत के मतवाजी हो सके। टू एसोसिएट नाइस एंड मीनिंग, शोर और मानी के साथ एसोसिएट करने की काबिलियत रखने के लिए, शामिल होने की, शरीक होने की। नंबर फोर, ऑल्दो द मॉडल मस्ट नॉट रिलाई ऑन द इंट्यूशन ऑफ अ नेटिव स्पीकर, अगरचे नमूना मस्ट नॉट रिलाई ऑन, इत्माद या भरोसा नहीं करना चाहिए, ऑन द इंट्यूशन ऑफ अ नेटिव, एक नेटिव स्पीकर के वजदान पर। इट मस्ट बी इन हार्मनी विद सच इंट्यूशन, इसे लाजमी तौर पर हम आहंगी में होना चाहिए विद सच इंट्यूशन, ऐसे वजदान की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, इट मस्ट बी एबल टू असाइन अ स्ट्रक्चर टू ऑल सेंटेंसेस, इसे लाजमी तौर पर इस काबिल होना चाहिए कि तमाम जुमलों को एक स्ट्रक्चर जो है वो मुकर्रर कर सके, सौंप सके। विच वुड बी एक्सेप्टेड बाय अ नेटिव स्पीकर, जो कि एक नेटिव स्पीकर के लिए काबिले कबूल होगा। एंड रिजेक्ट ऑल सेंटेंसेस, और तमाम जुमलों को रद्द कर देगा, मुस्तरद कर देगा। विच वुड बी रिजेक्टेड बाय अ नेटिव स्पीकर, जो कि एक नेटिव स्पीकर की तरफ से रिजेक्ट किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे, मुस्तरद किए जाएंगे। द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट डील्स विद फोनीम्स, फोनोलॉजिकल यानी आवाज का जुज है फोनीम, ये छोटी से छोटी इकाई होती है आवाज की, फोनीम के साथ डील करता है। एंड विद द परमिसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फोनीम्स, और जायज या दुरुस्त
इम्तजाज के साथ था, फोनीम्स, फोनीम्स के, फोनीम्स क्या है, आवाज की छोटी से छोटी इकाई। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, जहां तक अंग्रेजी का तअल्लुक है, इट ऑफर्स रूल्स फॉर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स एज वेल। तो ये असूल फराहम करती है, पेश करती है स्ट्रेस के, जोर देने के, और इंटोनेशन पैटर्न्स और लहजे के अंदाज के नमूनों के एज वेल भी। द वर्क ऑन फोनोलॉजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क डन बाय स्ट्रक्चरलिस्ट्स। द वर्क ऑन फोनोलॉजी पर जो काम किया गया है, सौतियात पर जो काम किया गया है, एक एक्सटेंशन है, वसत है उस काम की जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट्स की तरफ से किया गया है। अ रिफाइनमेंट रादर देन अ रीअप्रेजल, एक रिफाइनमेंट है, एक नफासत है, रादर देन अ रीअप्रेजल, एक नए अंदाजे की बजाय। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द टीजी मॉडल, और ये टीजी मॉडल का एक हिस्सा है, विच हैज रिसीव्ड लीस्ट क्रिटिसिज्म, जिसने इंतहाई कम तनकीद हासिल की है, यानी जिस पर बहुत कम तनकीद हुई है। द सिमेंटिक कंपोनेंट डील्स विद मीनिंग, सिमेंटिक कंपोनेंट जो है वो मानी के बारे में डील करता है, एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, और मानी की तशरी के बारे में, वजाहत के बारे में। मच वर्क हैज बिन डन इन दिस एरिया, इस एरिया में, इस इलाके में बहुत सा काम किया गया है। एंड मैनी हैव क्रिटिसाइज्ड चॉम्स्कीज टेक्निक्स, और बहुत से लोगों ने चॉम्स्की की तकनीकों पर तनकीद की है। इट वुड बी ट्रू टू से, ये कहना सच होगा, हाउएवर तहम, दैट लेस सेटिस्फैक्टरी वर्क हैज बिन डन, के कम मुतमिन करने वाला काम किया गया है विद रिगार्ड टू सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स के हवाले से, मानवीयत के हवाले से, देन विद रिगार्ड टू फोनोलॉजी एंड सिंटेक्स की निस्बत। इट इज विद रिगार्ड टू हिज ट्रीटमेंट ऑफ सिंटेक्स, ये विद रिगार्ड टू हिज ट्रीटमेंट, उसके सलूक के बारे में है, सिंटेक्स के बारे में, दैट चॉम्स्कीज अप्रोच डिफर्स, कि चॉम्स्की की अप्रोच, पहुंच, रसाई डिफर्स मोस्ट फंडामेंटली, बहुत ज्यादा बुनियादी तौर पर इख्तलाफ करती है फ्रॉम अदर मॉडल्स, दूसरे नमूनों से। टीजी इज एक्सप्लिसिट अबाउट द फैक्ट, टीजी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वाजे है अबाउट द फैक्ट, इस हकीकत के बारे में, एंड नेटिव स्पीकर्स रिकॉग्नाइज टू लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, और नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो बनावट के, साखत के दो असूलों की सतहों को पहचानते हैं, दो सतहों को पहचानते हैं। अ स्पीकर रियलाइजेस दैट, एक स्पीकर महसूस करता है, जॉन इज ईजी टू प्लीज, या जॉन इज ईगर टू प्लीज, मे लुक अलाइक, यकसां, यानी एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, बट आर डिफरेंट एट सम लेवल इन दैट द फर्स्ट इम्प्लाइज, लेकिन कुछ सतह पर ये मुख्तलिफ हैं, इन दैट के द फर्स्ट इम्प्लाइज, पहले का मतलब है समवन प्लीजेस जॉन, के कोई जॉन को खुश करता है, एंड द सेकंड, और दूसरे का मतलब है जॉन प्लीजेस समवन, के जॉन किसी को खुश करता है। सिमिलरली अ नेटिव स्पीकर रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल्दो, इसी तरह से एक नेटिव स्पीकर जो है वो पहचानता है दैट ऑल्दो, ये भी, जॉन लव्स मैरी, लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैरी इज लव्ड बाय जॉन, बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है मैरी इज लव्ड बाय जॉन से। दे आर फंडामेंटली वेरी सिमिलर, ये बुनियादी तौर पर बहुत
मिलते जुलते हैं. टू अकाउंट फॉर द टू वैल्यूज दैट आ स्पीकर इंट्यूटिवली रिकॉग्नाइजेस दे आर फंडामेंटली वेरी सिमिलर. ये बुनियादी तौर पर बहुत एक जैसे हैं. टू अकाउंट फॉर द टू लेवल्स दोनों सतह की वजाहत करने के लिए दैट अ स्पीकर इंट्यूटिवली रिकॉग्नाइजेस के एक स्पीकर बोलने वाला वजदानी तौर पर पहचानता है. और टीजी मॉडल स्प्लिट्स द सिंटैक्टिक कंपोनेंट इनटू टू पार्ट्स. टीजी का मॉडल नमूना जो है स्प्लिट कर देता है, तकसीम कर देता है द सिंटैक्टिक कंपोनेंट नहवी जुज को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है. अ बेस सब कंपोनेंट एक बुनियादी जैली जुज एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल सब कॉन्टिनेंट और एक तब्दीली करने वाला जैली जुज बुनियादी और तब्दीली पैदा करने वाला. द बेस सब कंपोनेंट जनरेट्स बुनियादी जैली जुज पैदा करता है. दैट इज वो है असाइंस अ स्ट्रक्चर टू एक बनावट मुकर्रर करता है. द डीप अंडरलाइंग पैटर्न सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय मीन्स ऑफ अ ट्री डायग्राम. द डीप अंडरलाइंग पैटर्न गहरा बुनियादी नमूना ताकि हम जाहिर कर सकें इसे बाय मीन्स ऑफ अ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम के जरिए आल्सो कॉल्ड अ लेबल्ड ब्रैकेटिंग भी इसे कहा जाता है एंड अ फ्रेज मार्कर पी मार्कर भी इसे कहा जाता है. दस इस तरह से एस सेंटेंस यानी के एन पी प्लस वीपी नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज और एन पी मतलब नाउन फ्रेज जो है आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है डिटर्मिनर प्लस एन नाउन में. यहां पे सेंटेंस है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया पहले नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में. एस सेंटेंस यानी नाउन फ्रेज प्लस वीपी. उसके बाद नॉन फ्रेज को आपने क्या किया डिटर्मिनर प्लस एन में कर दिया. उसके बाद वर्ब फ्रेज जो है वर्ब फ्रेज को आपने वर्ब और एन पी यानी नॉन फ्रेज में कर दिया. आगे एन पी नॉन फ्रेज फर्दर जो है मजीद डिटर्मिनर और नॉन में डिवाइड हो जाता है. द ट्रांसफॉर्मेशनल सब कंपोनेंट वर्क्स ऑन अ फ्रेज मार्कर पी मार्कर जिसको कहते हैं. तब्दीली सब कंपोनेंट जैलिजुस यानी तब्दीली करने वाला वर्क्स ऑन अ फ्रेज मार्कर पर जिसको शार्ट आप कहते हैं पी मार्कर पर काम करता है. एंड सो जनरेट्स अ सरफेस स्ट्रक्चर और इसलिए एक सतही बनावट पैदा करता है. अगेन अ ब्रीफ एग्जांपल मे हेल्प दोबारा एक मुख्तसर सी मसाल मदद कर सकती है. द स्ट्रक्चर बनावट डिटर्मिनर प्लस एन नाउन प्लस वी वर्ब प्लस डिटर्मिनर प्लस एन नाउन अंडरलाइज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसिटिव सेंटेंसेस सच एज ये हजारों थाउजेंड्स किस्म के जो हैं ट्रांसिटिव सेंटेंसेस जो हैं सच एज जैसा कि दर्ज ज़ैल हैं. ट्रांसिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मुतअद्दी सेंटेंसेस. द कैट स्वैलोड द माउस ट्रांसिटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको फिर लाजम कहा जाता है उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. द ट्रांसफॉर्मेशनल सब कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल सब कंपोनेंट तब्दीली जैली जुस अकाउंट्स फॉर वजाहत करता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली के लिए ऑफ सच अ सेंटेंस एक ऐसे
जुमले की इनटू सच वेरिएंट्स एज, ऐसे मुख्तलिफ तौर पर, जैसा कि द माउस वाज स्वेलुड बाय द कैट, द माउस वाज स्वेलुड, द स्वेलिंग ऑफ द माउस बाय द कैट एंड द कैट्स स्वेलिंग ऑफ द माउस. ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अलाउ द ग्रामेरियन टू एक्सप्लेन, तब्दीली के असूल ग्रामेरियन को यानी ग्रामरदान को इजाजत देते हैं वजाहत करने की. नंबर वन, डिलीशन, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे डिलीशन सी को डिलीट कर दिया है. जॉन रैन अवे एंड मैरी रैन अवे, जॉन एंड मैरी रैन अवे, जॉन रैन अवे, यहां पे सी क्या है, ए सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, बी रैन अवे, बी एंड यहां पे ऐड कर दिया, और रैन अवे जो दोनों में कॉमन था उसको ए को डिलीट कर दिया और दोनों में कॉमन कर दिया, यानी जॉन एंड मैरी रैन अवे. नंबर टू, एडिशन, इंसर्शन, फॉर एग्जांपल यहां पे अजाफा, अंदराज, ए प्लस बी को पहले ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी में कर दिया, अब यहां पे ए प्लस बी में अजाफा कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, गो अवे, यू गो अवे, ही हैज कम, ही हैज जस्ट कम. यहां पे देखें पहले सेंटेंस में यू का अजाफा कर दिया, दूसरे में आप देखें ही हैज कम, ही हैज जस्ट कम, यहां पे जस्ट का अजाफा कर दिया. नंबर थ्री, परम्यूटेशन, फॉर एग्जाम्पल परम्यूटेशन तब्दीली भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ए प्लस बी प्लस सी, इसको ए प्लस सी प्लस बी कर दिया. कॉल जॉन अप, कॉल अप जॉन, यानी वर्ड्स को तब्दील कर दिया, आगे पीछे कर दिया. नंबर फोर, सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल तब्दीली, मिसाल के तौर पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में इसको कर दिया, जॉन अराइव्ड एंड पीटर वेंट इन, ऑन जॉन्स अराइवल पीटर वेंट इन, यहां पे आप देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी को किसमें कर दिया, ए प्लस डी प्लस सी, यानी यहां पे कुछ अजाफा कर दिया, सब्स्टिट्यूशन तब्दीली कर दी, मतबादल, एक मतबादल वर्ड को यहां पे इस्तेमाल कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन मतबादल लफ्ज का इस्तेमाल, यानी पहले क्या था बी था, उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, यानी बी की जगह डी को लगा दिया है, तब्दील कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन तब्दीली. इन ब्रीफ, देन तब अल मुख्तसर, आर टी जी ग्रामर एम्स टू पेयर अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ नॉइजेस with a given meaning by means of a syntactic component. एक टीजी ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, एम्स टू पेयर अ गिवन स्ट्रिंग का मकसद है एक दी गई स्ट्रिंग, डोरी ऑफ नॉइजेस, शोरों की यानी शोर की, with a given meaning, दिए गए मानी के साथ, by means of a syntactic component, नहवी जुज के जरिए से. The following diagram indicates how this may be done. दर्जेल diagram जाहिर करती है how this may be done, कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है, and suggests that a TG model, और जोर देती है कि एक टीजी मॉडल इज न्यूट्रल, गैर जानबदार है, विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन, पैदावार और वसूली के लिहाज से के बारे में. द एरोस वर्क बोथ वेज, तीर दोनों तरह से काम करते हैं, बिकॉज अ स्पीकर कैन एसोसिएट मीनिंग विद नाइस और नाइस विद मीनिंग, कि स्पीकर जो है वो मानी का
तो अलग कर सकते हैं, मानी को मुंसलिक कर सकते हैं शोर के साथ या शोर को मानी के साथ। यहां पे नाइज और मीनिंग, फोनोलॉजिकल कंपोनेंट है और मीनिंग सेमांटिक कंपोनेंट है। अब इसको आप देखें सिंटैक्टिक कंपोनेंट, नाइज को भी और मीनिंग को भी यहां पे ले आए। अब ट्रांसफॉर्मेशनल सब कंपोनेंट बेस कंपोनेंट, यानी जब नहवी जुज बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशनल सब कंपोनेंट हो सकते हैं, यानी तब्दीली वाला जुज, जैली जुज या बुनियादी जैली जुज हो सकता है। दी अल्टीमेट एम ऑफ टीची, दी अल्टीमेट एम, हतमी आखिरी मकसद जो है टीजी का, इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, जबान की समझ बूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, समझना है, ऑफ द यूनिवर्सल्स कॉमन टू ऑल लैंग्वेज, ऑफ द यूनिवर्सल्स आलमगीर तौर पर कॉमन टू ऑल लैंग्वेज, तमाम जबानों के लिए मुश्तरका तौर पर, आम तौर पर, एंड थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, और इसके जरिए से एक समझ बूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ है ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन की। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।